अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बहुत ही बेहतरीन चूरन बना रहे हैं और इसकी फरमाइश काफ़ी लोगों ने हमसे की है। ये हमारे घराने की होम रेमेडी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदे हम इसको रोस्ट करते टाइम आपको बताएंगे। लेकिन इस चूरन को कहते हैं बानो हाजिम चूरन, क्योंकि ये रेसिपी मेरी खुद की खाला यानी मेरी आंटी, जिनका नाम है नसीम बानो, तो उनके नाम से ही मैंने इसका नाम रख दिया है बानो चूरन, बानो हाजिम चूरन। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इंशाल्लाह इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको अभी बताती हूँ और इसके फ़ायदे रोस्ट के टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँगी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये हमने छोटी हड़, जिसको बोलते हैं हर, छोटी हड़ ली है। ये है 100 ग्राम। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसकी डबल भी कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बनाना है। तो छोटी हड़ ली है हमने 100 ग्राम। अजवाइन ली है हमने 100 ग्राम। ज़ीरा हमने लिया है 100 ग्राम। मेथी दाना लिया है 100 ग्राम। सौंफ ली है 100 ग्राम। अलसी ली है 100 ग्राम। और 2 चाय के चम्मच यहाँ पर हमने लिया है कलौंजी, और 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ लिया है हमने काला नमक। मेजरिंग स्पून हमारा ये है जिससे हम मेजर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप डबल भी बना सकते हैं क्वांटिटीज़ की, ठीक है। नमक जो है वो हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि अक्सर लोगों को बीपी की शिकायत होती है, तो नमक की क्वांटिटी आप उसके हिसाब से रखें क्योंकि बीपी वालों को नमक कम लगता है। तो चलें एक कढ़ाई में इनको रोस्ट करना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हमने एक एक करके सारी चीज़ें डालना है और हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट हमने इसलिए करना है कि अगर कुछ चीज़ें जैसे कि सौंफ है या ज़ीरा है या कोई चीज़ में हल्की सी सील होती है, नमी होती है, तो वो सूख जाती है, तो चूरन आपका लॉन्ग लास्ट करता है। तो चलें एक एक करके इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमने कढ़ाई में डाल के अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली हैं। आप हाथ से छू कर देखें, आपको इसको अच्छा गर्म मालूम देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको ड्राई रोस्ट कीजिएगा और आपको खुशबू हल्की सी आने लगे उसके बाद आपने फ्लेम बंद करनी है। अच्छा, हड़ जो है ये छोटी हड़ ये हमने रोक ली है क्योंकि इसको सेकने में थोड़ा वक्त लगता है। इसको ऐसा सेकना है स्लो फ्लेम पर, थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे मखाने सेकते हैं ताकि मखाने अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, वैसे ही हमने इसको सेकना है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को करके निकाल लेते हैं। बस कम से कम 2 से 3 मिनट जाएंगे इसको करने के लिए, लेकिन हड़ को सेकने में थोड़ा वक्त जाएगा। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम हड़ डाल देते हैं और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करते हैं। इसको आपने एकदम स्लो फ्लेम पर करना है और इसको सेकने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, इतना हो जाना चाहिए कि अच्छे से भुरभुरी हो जाए यानी क्रिस्पी हो जाए अंदर तक। जब ये सिक जाएगी ना तो इसको पिसने में आसानी रहेगी, बस ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा फैला दें इसको, और फैलाने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से रोस्ट कर लें। फिर इस तरह से इसको स्पैचुला की मदद से फ्लैट कर दें ताकि ये अंदर अच्छे से सिकती चली जाए सब साइड से, और फिर इस तरह से कर दें। अभी आप इसको हड़ को देखिए कि ये कैसे अच्छे से फूल गई है। स्टार्टिंग में आप वीडियो देखिएगा कि स्टार्टिंग में हड़ का साइज़ क्या था और अभी कैसे अच्छे से फूल गया है। बस इसे हमने 5 मिनट, टोटल 5 मिनट स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमने कम से कम 2.5 से 3 मिनट किया है, लेकिन स्लो फ्लेम पर। तो आपने भी बहुत ध्यान रखना है इसको रोस्ट करते टाइम। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, अब हमने इसको पीसना है। तो ये देखें हड़, इसको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है।
चूरन हमारा अच्छे से पिस चुका है, ये देखें। तो इसको हमने एक जो फैला हुआ बाउल है इसमें ही लौट दिया है। अब बाकी का भी अब हमने ऐसे ही पीस लेना है। जिस तरह से जीरे को रोस्ट करके पीसते हैं ना, थोड़ा सा दरदरा, बस वैसा ही आपने इसको पीसना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर तो ये होएगा भी नहीं, लेकिन अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा दरदरा भी ना रह जाए। बस आपने ऐसा करना है कि ज़बान पे हल्का सा इसकी ग्रैन्यूज मालूम दें, ठीक है। और तो बाकी का भी हमने ऐसे ही पीस लेना है। ये हमारा लास्ट बैच भी पिस के रेडी हो गया है। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देखिए 100-100 ग्राम सारी चीजें होने के बाद कितना सारी क्वांटिटी हो गई है। और ये आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये इतनी बेहतरीन चीज है और सबको इंशाल्लाह फ़ायदा ही मिलेगा। बस आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी ये चीज़ें हमने ली हैं, यानी सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी दाना, सारी चीज़ें, तो इन सबको आपने पहले अच्छे से बीन लेना है ताकि उसमें कुछ भी कचरा ना रहे। और एक बार छन्नी ज़रूर कर लें ताकि मिट्टी वगैरह जो भी होगी वो छन जाएगी, ठीक है। अभी हमारा सब चीज़ मिक्स हो गई। कभी कभी पिसने में ऐसा होता है हड़का कोई पीस रह जाता है तो उसे आपने निकाल देना है। देखिए एक छोटा सा ही पीस रह गया है तो उसे हम निकाल देंगे। अब इसमें हमने मिला देना है काला नमक, और नमक हम थोड़ा ही मिला रहे हैं। और नमक अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिला लें, लेकिन बेटर है कि आप कम ही मिलाएं, क्योंकि कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बीपी की शिकायत होती है तो उनको ये नमक ज़्यादा नहीं चलता है। क्वांटिटी आपने हाफ टी स्पून लेनी है, ठीक है। हाफ टी स्पून आप सादे पानी से ले लें, यानी लंच और डिनर के बाद, यानी दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा, आप हाफ टी स्पून ले लें खाली पेट, ठीक है। तो इसको रेगुलर भी यूज़ रख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो लीजिए नाज़रीन, ये बानो हाजिम चूरन बन के रेडी है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतनी अच्छी रेमेडी हमारे साथ शेयर करी और इंशाल्लाह इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे और सबकी दुआएं आपको मिलेंगी। और हमारी भी दुआ है अल्लाह आपको लंबी सेहत और ज़िंदगी दे। तो नाज़रीन, इसमें कोई भी नुकसान की चीज़ नहीं है, हर चीज़ हाजिम है। अजवाइन हाजिम है, पेट के दर्द को दूर करती है। सौंफ आँखों को फ़ायदा देती है और हाजमा भी करती है, पेट में ठंडक देती है। फ्लैक्सीड यानी अलसी, अलसी हाई फाइबर होती है और जोड़ों को ताकत देती है। मेथी दाने के फायदे आप सब जानते हैं कि मेथी दाना सर से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ को फ़ायदा देती है, बालों से लेके आंखें, आपके जॉइंट्स, हर चीज़ को फ़ायदा देती है। और बाकी रहा कलौंजी, कलौंजी के तो कलाम पाक में ही आया है कि मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा है इसके अंदर। और काला नमक भी हाजिम है, तो हर चीज़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपने हर चीज़ को अच्छे से इसके बारे में आपने रीड भी कर लेना है, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मैं हर चीज़ के फ़ायदे मेंशन कर दूंगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको खुद भी फ़ायदा उठाएं, वीडियो आगे शेयर करें। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है, हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलते रहें।
तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी।